नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां पर जिन्ना की तस्वीर लगाने को लेकर बवाल थमता दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कल देखा था किस तरह से बवाल बढ़ने के बाद वहां पर छात्रों पर पुलिस को लाठियां तक भाड़नी पड़ी थी। अब वहां पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता है वो इस तस्वीर को हटाने को तैयार नहीं है, जबकि जो हिंदुत्ववादी संगठन है और बीजेपी के लोग हैं वो जिन्ना की तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस कड़े पहरे में है, चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, एहतियातन पीएसी भी बुला ली गई है। कैंपस में पूरी तरह सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में तूफान की आहट भी है। मुद्दा यह है कि कैंपस के भीतर छात्र संघ भवन में पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर टंगी हुई है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। बुधवार को कैंपस में तब कोहराम मच गया जब हिंदूवादी संगठनों ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिन्ना का पुतला भी फूंका। माध्यम से 24 घंटे का अल्टीमेटम एएमयू प्रशासन के लिए दे देना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर यदि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ने जिन्ना की मूर्ति हटाने का काम नहीं किया तो अलीगढ़ का देशभक्त छात्र एएमयू में कूच करके उस तस्वीर को स्वयं हटाने को बाध्य होगा। यहाँ की तमाम स्टूडेंट की डिमांड ये है कि यहाँ के सांसद पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए और जो गुंडे आरएसएस गुंडे आए थे उनको जल्द से जल्द उठा करके उन पर रासुका लगाई जाए, क्योंकि ये एक मामूली मुद्दा नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इसके विरोध में जब एएमयू के छात्र बाहर निकले और हंगामा करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए एएमयू के बाबे सैयद पर इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये आगे बढ़ते गए, जिसके चलते छात्रों और पुलिस में संघर्ष हो गया। लड़कों के साथ जो ज्यादती हुई है, लड़कों को जो मारा है, इसके खिलाफ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनको हम एक्शन कमेटी हम बनाएंगे। अभी दिल्ली में ज्वाइंट एक्शन कमेटी दिल्ली जाएंगे, वहां हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे और जो भी कल्प्रेट है उसको हम सजा दिलवा करेंगे। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए छात्रों को खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें 2 दर्जन से भी ज्यादा छात्र और दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कम से कम 20 छात्र इंजर्ड है। अभी तो आप देख लीजिए कि हमारे साथी यहीं पे 4-5 आपको मिल जाएंगे। 20 छात्र इंजर्ड है लगभग, ठीक है। और जानबूझकर पुलिस ने गोलियां चलाई, उसके बाद जो है पुलिस ने लाठियां चलाई मेरे ऊपर, कई सारी लाठियां चलाई, सबसे आगे तो मैं ही था, कई सारी लाठियां चलाई और मुझे इलीगली डिटेन किया। एहतियातन फोर्स डिप्लॉय किया गया है और जो लोग भी इसमें दोषी हैं, चाहे जिस पक्ष के भी हों, जिनके चलते इस तरह की घटना घटित हुई है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई। यूनिवर्सिटी में इस बवाल के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यक्रम भी रद्द हो गया। इस मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा बताकर किनारा कर लिया। राजनीतिक लोगों को राजनीति करने दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सर, मैं 10 साल राजनीति करने वालों के बीच में रहा हूं और कभी राजनीति नहीं की है। 1938 से एएमयू कैंपस में लगी जिन्ना की तस्वीर पर बवाल ने अब सियासी रंग पकड़ लिया है। सवाल उठ रहा है कि विभाजन के जिम्मेदार शख्स की तस्वीर भारत की यूनिवर्सिटी में आखिर क्यों? ये मुद्दा सबसे पहले बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने उठाया था। देखिए, जिन्ना ने देश बंटवारे में जिन्ना का हाथ था, इसलिए मुझे आपत्ति है। जब देश बट गया तो आराम से उनकी तस्वीर भी उनके साथ भेजनी थी, यूनिवर्सिटी में तस्वीर क्यों लग रही है? एएमयू के छात्र जहां पुलिस कार्रवाई के विरोध में लामबंद हो रहे हैं, वहीं अलीगढ़ के एक मुस्लिम संगठन मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी कैंपस से जिन्ना की तस्वीर उतारने वाले के लिए 51,000 रुपए का इनाम रख दिया। हमने मांग रखी है कि 51,000 रुपए हम देंगे जो वहाँ से उसका तस्वीर हमें ला के देगा। ऐसे देख जरूरी की तस्वीर का क्या करना वहाँ एएमयू शासन कार्यालय में। उधर अलीगढ़ छात्र संघ ने पहले से ही साफ कर दिया है कि यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर नहीं उतरेगी। जिन्ना की तस्वीर हटेगी नहीं हटेगी यहाँ से? क्यों हटेगी? अभी तो हटी हुई है। नहीं, वही है,
नहीं, बताया जा रहा है कि आपने तस्वीर हटा ली है। नहीं नहीं, किसी ने हटाई नहीं है। चल कर दिखाइए, चल कर दिखाइए। जिन्ना ने, जिन्ना की तस्वीर किसी ने हटाई नहीं है। अलबत्ता सफाई हो रही है और 5-6 तस्वीरों को साफ किया जा रहा है। बहुत टाइम से डस्ट है। एक तरफ एएमयू के छात्र हैं जो किसी सूरत में जिन्ना की तस्वीर कैंपस से उतारने के लिए राजी नहीं, और दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन और यूपी की बीजेपी सरकार है। सरकार के मंत्री और बीजेपी के कई नेता जिन्ना को बंटवारे का जिम्मेदार और देशद्रोही बताते हुए हर हाल में जिन्ना की तस्वीर उतरवाने पर आमादा हैं। ऐसे में टकराव थमता नहीं दिखता। मोहम्मद अकरम के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, अलीगढ़ आज तक। सवाल आखिरकार यही बना हुआ है कि क्यों देश का बंटवारा करने वाले जिन्ना की तस्वीर एक शैक्षिक संस्थान में टांगने की जरूरत पड़ गई। यही सवाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया मेरे सहयोगी राहुल कंवल ने। योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया, सुनिए। सर, इस वक्त एक बड़ा विवाद चल रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर। पाकिस्तान को इन्होंने बनाया, स्टूडेंट्स हॉल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनकी तस्वीर है, होनी चाहिए जिन्ना की तस्वीर एएमयू में। देखिए, हमने पूरी रिपोर्ट मांगी है। एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमने लोकल प्रशासन से इस बारे में कहा है कि वहां की एएमयू प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांग करके किन कारणों से जिन्ना की तस्वीर छात्र संघ भवन में है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पूरी रिपोर्ट मुझे उपलब्ध करवाई जाए। मुझे लगता है कि आज सायंकाल तक या कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। नहीं, रिपोर्ट तो आपके पास आएगी, लेकिन 1938 से यह तस्वीर है। सवाल यह है कि जिस आदमी ने भारत का बंटवारा किया, पाकिस्तान को बनाया, हमारी यूनिवर्सिटी में, उसकी तस्वीर क्यों? मैं इसी बात को मांग लो ना कि ये घटना सच है, इसके बारे में एक तो इसको पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। किन परिस्थितियों में जिन्ना की फोटो छात्र संघ भवन के अंदर है, ये भी मांगा जाए, और अन्य आगे क्या कार्रवाई होनी, उसकी पूरी रिपोर्ट। पर आप ये मानते हैं कि अगर ये सच है तो तस्वीर तो जिन्ना की नहीं होनी चाहिए? देखिए, जिन्ना का सम्मान भारत के अंदर नहीं हो सकता है। इस देश के विभाजन का कारण जिन्ना है, और मुझे लगता है जिन्ना के मेहमानमंडन को देश स्वीकार नहीं करता। सही बात है, उसने हिंदुस्तान का बंटवारा किया, लाखों लोग मरे, और हमारी यूनिवर्सिटी में उसकी तस्वीर तो नहीं जमती। हमने कहा ना, पूरी रिपोर्ट आने दीजिए और समय आने पर सरकार कार्यवाही करेगी। तो मजेदार बात यह है कि जिन्ना को लेकर यूपी सरकार के मंत्री भी अलग अलग राय रखते हैं। डिप्टी सीएम तो यहां तक कह रहे हैं कि जिन्ना की तस्वीर लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। दूसरे मंत्री ये कह रहे हैं कि जिन्ना एक महापुरुष हैं, और तीसरे मंत्री दूसरे मंत्री पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो जिन्ना के रिश्तेदार हैं। लेकिन विपक्ष सरकार को इस बात पर ललका रहा है कि सिर्फ बातें ही करेंगे या कुछ एक्शन भी लेंगे। जिन्ना देशद्रोही है, देश के बंटवारे का जिम्मेदार है, और जिन्ना का विषय मैं समझता हूं भारत में जिन्ना का नाम लेना भी उचित नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ने तो ये कह दिया कि देश में जिन्ना का नाम लेना ही पाप है, जिन्ना देशद्रोही है, देश का विभाजक है। लेकिन उन्हीं के सरकार के एक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो जिन्ना को महापुरुष बता दिया। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया। देश के बंटवारे के पहले जिन्ना का भी योगदान देश को। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को महापुरुष बताया तो यूपी सरकार के एक और मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौर्य को जिन्ना का रिश्तेदार बता गए। यदि जिन्ना की फोटो लगी है तो हम उसका विरोध करते हैं, विरोध का, और वहां से वो फोटो तत्काल हटाई जानी चाहिए। ये ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी चाहते हैं। मतलब आप जिन्ना को भारत का विरोधी मानते हैं? भाई, जिन्ना की फोटो यहाँ लगी है, वहाँ गांधी जी की फोटो नहीं लगती थी, यहाँ जिन्ना क्यों लग रही है? ये सवाल कहाँ से उठ रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य पक्ष में है कि जिन्ना की फोटो नहीं हटनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य उनके रिश्तेदार होंगे, हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सुर भी अलग अलग सुनाई दे रहे हैं, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है। जिन्ना को मानने वाला कोई नहीं है, जिन्ना को लेकर के केवल बीजेपी सियासत कर रही है। इस देश का मुसलमान जिन्ना को अपना आइडियल नहीं मानता है, इस देश का मुसलमान गांधी जी को मानता है, इस देश का मुसलमान अशफाकुल्ला खां को मानता है, एपीजे अब्दुल कलाम को मानता है, वीर अब्दुल हमीद को मानता है।
हुजूर आते आते आपने बहुत देर कर दी, हमें लगता है योगी जी दो दिन बाद 48 घंटे बाद जागे हैं, और हमें लगता है वो सांसद महोदय अगर पहले से ही चिट्ठी योगी आदित्यनाथ जी को या HRD मिनिस्ट्री को लिख देते तो हमें लगता है इतना कुछ ना होता, अब तक चिट्ठी वहाँ से फोटोग्राफ जिन्ना का हट गया होता। हमें लगता है माहौल खराब करने की ये नाकाम साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की। जिन्ना के विवाद में बॉलीवुड के गीतकार और डायलॉग राइटर जावेद अख्तर भी कूद पड़े। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जिन्ना अलीगढ़ में ना तो छात्र थे और ना ही शिक्षक। ये शर्म की बात है कि वहाँ उनकी तस्वीर लगी है। प्रशासन और छात्रों को उस तस्वीर को स्वेच्छा से हटा देना चाहिए। जो लोग उस तस्वीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अब उन मंदिरों के खिलाफ भी प्रदर्शन करना चाहिए जिन्हें गोडसे के सम्मान में बनाया गया। AMU में जिन्ना की तस्वीर पर मचा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। जिन्ना कभी देश के आदर्श नहीं रहे। जिन्ना आजादी के बाद देश को टुकड़े करने वाले के प्रतीक रहे, विभाजन करने वाले। जिन्ना देश में सांप्रदायिकता का बीज बोने के प्रतीक रहे, और मैं समझता हूं कि जिन्ना भारत के प्रेरणा के स्रोत नहीं है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वहां जिन्ना की तस्वीर नहीं रहनी चाहिए, लेकिन एक्शन मोड में कोई नहीं है, जबकि केंद्र और राज्य में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। अब आपको बताते हैं किस तरह से मौसम का मौत 114 लोगों की जान ले गया। मौसम इस तरह से बदला, अलग अलग शहरों में मौत का ये मौसम। हम आपको बता दें कि 10 शहरों की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर कुदरत का सबसे ज्यादा कहर बरपा है। सबसे ज्यादा तबाही यूपी में हुई जहां आंधी तूफान में 73 लोग मारे गए। आगरा सहारनपुर हालात सबसे ज्यादा खराब रहे वहां पर। तो राजस्थान में भी अंधड़ और तूफान जानलेवा कहर बनकर आया। यहां 36 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा 19 लोग भरतपुर में मारे गए हैं। उत्तराखंड में भी मौसम ने कहर बरपाया, यहाँ बादल फटने से तबाही हुई। तो देश के 8 राज्यों में कुदरत ने अपना कहर बरपाया। उत्तर प्रदेश में तो जैसे ये मौत का मौसम कहर बनकर बरपा। यहाँ पर सबसे ज्यादा मौतें आगरा में हुई हैं। सब कुछ मौसम की भेंट यहाँ पर चढ़ गया। कहीं पर पेड़ उजड़ गए, कहीं पर घर पूरी तरह से तबाह हो गए, खंबे उखड़ गए, बिजली के खंबे पेड़ों पर गिर गए, और साथ ही यहाँ पर 73 मौतें दर्ज की गई हैं। साथ ही 103 ऐसे पशु हैं जो मौसम की भेंट चढ़ गए। कुदरत जब रूठती है तो तबाही कैसे आती है, ये उसकी जीती जागती तस्वीरें हैं। अचानक मौसम मौत बनकर आता है और देश के परिवारों में मातम बनकर छा जाता है। आंधी तूफान बारिश और धूल का रूप धारण करके मौसम जिंदगियों को लीलता चला जाता है। आज हम दिखाएंगे कि देश में कहां कहां कितनी मौतें हुई है, मौसम ने कहां कहां मौत का तांडव मचाया है। बीते कल जो कुछ हुआ, मौसम का वो कहर लोगों के जहन में सदमा बनकर बैठ गया है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने सीधे लोगों की जिंदगी पर प्रहार किया और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं। दिल्ली NCR में जिस आंधी और बरसात को लोग राहत का सामान समझ रहे थे, वो आधे देश पर कहर बनकर छाया। पहले हवा चलनी शुरू हुई, लोगों को लगा कि गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे रफ्तार बढ़ी समझ में आने लगा कि ये राहत नहीं आफत है। और ये आफत सबसे बड़ा कहर बनकर गुजरी उत्तर प्रदेश में। आगरा से लेकर अमरोहा तक, मुजफ्फरनगर से बिजनौर, मथुरा से कानपुर और पीलीभीत से मिर्जापुर तक मौसम ने ऐसा तांडव मचाया कि हर कोई त्राही त्राही करने लगा। देखते ही देखते पेड़ गिरने लगे, होर्डिंग गिरने लगे, घर गिरने लगे, झोपड़ियां गिरने लगी, बिजली के खंभे उखड़ गए, भयानक आंधी, रेत और धूल। अचानक यूपी में तबाही का मंजर सामने था।
जिसके सामने आदमी की कोई बिसात नहीं थी। आंधी आई थी रात को बहुत तेज, तो दीवार थी छत के ऊपर, वो दीवार छत पे गिरी और छत इनके ऊपर गिरी। ये दो लोग थे, दोनों ही मौके पे ही खत्म हो गए। आंधी आई थी और छत पे से जा रहे थे और कोई दीवार गिर पड़ी, गिर गई। मान उड़े टीन उड़ रही है, टीन उड़ गई है और कोई कितनी देर में दीवार गिर पड़ी उनके ऊपर। आधी में बिजली तड़का, छत पर सोए थे और फिर जौन उतर वहाँ से तुरंत जो एक्सपायर हो डॉक्टर बलावलगर तो मालूम भल मृत्यु घोषित हो गया। 132 किलोमीटर की रफ्तार से आए इस तूफान में सब कुछ तिनके की तरह उड़ता चला गया। सड़क पर गाड़ियां जहां की तहां थम गईं, जहां तहां पेड़ गिर गए और हालात प्रशासन के हाथ से बाहर चले गए। जब तक सरकार बंदोबस्त करने के बारे में सोचती, तबाही की खबरों ने होश उड़ा दिए। उत्तर प्रदेश में इस तूफान में अब तक कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई। आगरा में 43 लोगों की मौत, खेरागढ़ में 18 की मौत, फतेहाबाद 10 की मौत, बिजनौर 3 की मौत, कानपुर देहात में 3 की मौत, सहारनपुर में 2 की मौत, चित्रकूट, उन्नाव, मथुरा, अमरोहा, कन्नौज, बांदा, कानपुर सिटी, सीतापुर, संभल और मिर्जापुर में एक एक की मौत हुई। इसके अलावा यूपी में तकरीबन 83 लोग घायल हुए हैं, इनमें से 8 की हालत गंभीर है। प्रशासन ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए और घायलों के परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। हमारे जितने भी रेवेन्यू की टीम्स हैं वो गांव में असेस कर रही है, जो भी उसमें नुकसान हुआ होगा उसको फिर हम लोग असेस करके उसका उचित मुआवजा किसानों को वितरित कराया जाएगा। जो मुआवजा है वो उनको दिया जाएगा। मुआवजे के लिए आज शाम तक हम लोग जो अब जो रिपोर्ट्स अब तक आई हैं ये कैजुअलिटीज कंफर्म्ड हैं। घायल की संख्या मैंने अलग से बताई, 20 के ऊपर लोग घायल हैं जिनका उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। शासनिक अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो मौसम की इस तबाही पर सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहे रहे त्रस्त, मैं हूं कर्नाटक चुनाव में जुमले झाड़ने में व्यस्त। यूपी में तूफानी तबाही से सिर्फ लोगों की जान ही नहीं गई है बल्कि फसलें भी तबाह हो गई हैं। किसानों में भी कुदरत के इस कहर से हाहाकार मचा है। आज तक ब्यूरो। राजस्थान में भी तबाही का मंजर है। यहां पर आंधी तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि मौत का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। अलवर से भी तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि रोंगटे खड़े हो जाएं। भरतपुर में कुल 13 लोग मारे गए हैं, जबकि पूरे राजस्थान की अगर बात कर लें तो यहां पर काफी लोगों की जान गई। राजस्थान में तूफान की ताकत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तस्वीरें राजस्थान के अलवर की हैं। आप देख सकते हैं कितने भारी भरकम ट्रक को तूफान ने खिलौने की तरह उठाकर फेंक दिया। और ये तस्वीर भी देखिए, तूफान ने टोल प्लाजा की पूरी छत ही उखाड़ कर फेंक दी। और ये देखिए, इस ट्रक का कचूमर बन चुका है। ट्रक का केबिन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। आंधी तूफान ने इस ट्रक पर ऐसा कहर बरपाया कि उसका थोपड़ा ही बिगाड़ डाला। राजस्थान के अलवर जिले में कल रात और शाम को आई अंधड़ और तेज बारिश ने भारी कहर बरपाया है। हम इस समय अलवर से बहरोड की तरफ जाने वाली सड़क पर हैं और ये टोल प्लाजा आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो छज्जा जो रूफ थी वो पूरी की पूरी उखड़ कर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से चोट भी आई है। और आप देख सकते हैं ये जो रूफ है ये किस प्रकार से उखड़कर अब एक कोने में पड़ी हुई है, इसको हटाकर एक कोने में कर दिया गया है। पर आप मंजर उस समय का जो दृश्य रहा होगा उसको आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक रहा होगा कि इतनी भारी जो उसकी जो छत है टोल प्लाजा की वो पूरी की पूरी उखड़ गई है। अलवर में पेड़ जड़ों से उखड़ गए हैं, ट्रैफिक सिग्नल उखड़ गए हैं, मकानों की छतें तूफान उड़ा कर ले गया, इंसान मर गए हैं, मवेशी मर गए हैं, किसी का सिर फूटा है तो कोई अस्पताल में सिसक रहा है। राजस्थान में तबाही का कुछ ऐसा मंजर है, जिधर देखो बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। अलवर से धौलपुर, भरतपुर से बीकानेर और बीकानेर से झुंझुनू तक तूफान ने
लोगों को त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया। अंधकार आए हुए बहुत तेज, ऊपर से दीवार पड़ने से नीचे मकान की पट्टी टूट टूट के पड़ी। क्या मकान था? एक मकान में बैठा था। तेरी कह रहा था बैठा था दी आएगी। कितना सदस्य था उनमें? सात। जब वो खड़े थे जब चावने वाले ठेली पलटी और पेड़ टूट गया, पंप पर चोट लगनी थी। पिताजी श्रीलाल प्रेमवती माता जी मेरी दीवार के नीचे दब के खत्म हो गई, बहुत अंदर से नुकसान हुआ है। राजस्थान इस तूफान के लिए तैयार नहीं था, ना लोग तैयार थे, ना सरकार तैयार थी और ना ही राहत और बचाव के महकमे तैयार थे। इसलिए जब तूफान ने तबाही मचानी शुरू की तो लाशों की गिनती से पहले किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या है। राजस्थान में कुल 36 लोगों की मौत हुई है, भरतपुर में 19 लोगों की मौत हुई है, धौलपुर में 11 लोग मारे गए हैं, अलवर में 3 लोग मरे हैं, जबकि झुंझुनू में 1 शख्स की मौत हुई है। तबाही के तूफान ने अलवर और धौलपुर को तो पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया है, राजस्थान के दोनों शहरों की सूरत ही बदल गई है। काफी नुकसान हुआ है और अभी तक लगभग 2 लोगों के अलवर शहर के आसपास से मरने की सूचना आई है। एक व्यक्ति घायल भी हुआ है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी भी कंडीशन सीरियस है। इसके अलावा भी कई घायल हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं। सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया है। UIT नगर परिषद का जो भी संसाधन है, इसके अलावा जो प्राइवेट संसाधन है उनको भी हम लोग यूज में ले रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया है और हर जरूरी मदद देने की बात कही है। वहीं हादसे में हुई मौतों के बाद कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है, लेकिन सियासत के पैतरों के बीच राजस्थान में जो तबाही मची है वो दहशत बनकर लोगों के दिलों में बैठ गई है। अलवर से देवंकुर, धौलपुर से उमेश और बीकानेर से रौनक व्यास के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर भी कुदरत ने अपना प्रकोप दिखाया है। यहाँ पर अगर बात कर ले उत्तराखंड के चमोली की तो बादल फटने से लोग दहशत में आ गए। ऋषिकेश में आंधी तूफान के चलते रास्ते बंद हो गए और अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली की इन तस्वीरों को देखिए, मलबे में ट्रक आधा गड़ा हुआ है, एक बोलेरो गाड़ी मलबे में आधी गड़ी हुई है, पहाड़ों के मलबे का ढेर लग गया है, लोग पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी बह रहा है। चमोली की इन ताजा तस्वीरों को देखकर उत्तराखंड की वो त्रासदी याद आ जाती है जब देवभूमि कुदरत के कहर से कांप उठी थी। नारायण बगड़ में मौड़ा में बादल ऐसा फटा कि धरती पर अफरा तफरी मच गई, भारी भरकम ट्रक और कई गाड़ियां मलबे में दबती चली गई, नालों में देखते ही देखते उफान आ गया और सड़क पर मलबा तबाही का बहने लगा। उत्तराखंड के ऊपरी इलाके ही नहीं नीचे भी हालात खराब है। ऋषिकेश का हाल देखिए, यहाँ भी तेज आंधी और बारिश ने न सिर्फ सड़क यातायात को प्रभावित किया बल्कि रेल का रास्ता भी रोक दिया। तूफानी हवा की रफ्तार के सामने चीड़ और सागौन के पेड़ धूप की तरह उखड़ गए, नतीजा गाड़ियों की लंबी कतार लगती चली गई। उत्तराखंड में नहीं हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने उल्टी चाल चली तो यहाँ भी तूफानी हवाओं और बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद के साथ कमल नयन सिलोड़ी, चमोली आज तक। देश के 8 राज्य इस वक्त मौत के मौसम को याद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देखी गई है, लेकिन मई के मौसम में इस तरह से ये मौसम का तांडव क्यों देखने को मिला, क्या है इसके पीछे पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर पश्चिम भारत में थंडर स्टॉर्म की वजह से काफी नुकसान हुआ है। आखिरकार थंडर स्टॉर्म इतनी ज्यादा इंटेंस क्यों रहे, इतनी ज्यादा तीव्रता क्यों रही, आइए हम आपको समझाते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैप में पूरी एक्टिविटी दिखाई जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस ये जम्मू कश्मीर के ऊपर मौजूद था और इसी के साथ एक कम दबाव का क्षेत्र दिल्ली NCR की तरफ आया और ये दोनों जब सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लाउड बन रहे हैं और
जब ये सिस्टम आगे बढ़ा और उसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त तरीके से बादल छा गए और एक बड़ी एक्टिविटी देखी गई और आज दोपहर तक ये एक्टिविटी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में दर्ज की गई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही थी, जो ईस्टर्ली विंड्स बोलते हैं जिनको, और साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो हवाएं आ रही थी उन दोनों के बीच में टकराव हुआ और उस टकराव की वजह से इंटेंस एक्टिविटी देखी गई, यानी थंडर स्टॉर्म जो भी आए वो काफी जबरदस्त तरीके से उनमें हवाएं तेज तेज चल रही थीं और साथ ही साथ अंधड़, कई जगहों पर अंधड़ इतनी तेजी से आया जिससे लोगों को संभालने का मौका नहीं मिला और कई जगहों पर जानमाल का नुकसान हुआ। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट aajtak.in के साथ या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।